अब इस वीडियो में हमको देखना है अलग अलग केसेस में टाइम पीरियड क्या क्या आता है एसएचएम में। ये अलग अलग स्पेशल केसेस ऑफ एसएचएम है, ये देखिए इनके फॉर्मूले है, राइट। एक एक को हम डिराइव करेंगे। चलो पहली सिचुएशन है तुम्हारे पास जैसे यूट्यूब वाली, जहां पे अगर तुम लिक्विड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो ये एसएचएम करने लगता है। जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना है आपको सिर्फ याद रखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। भाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम, दिस इज द टाइम पीरियड मेन फॉर्मूला। और इसको इस के को निकालने के लिए तुम करते क्या हो, के इज नथिंग बट तुमको सिर्फ क्या करना होता है, नंबर वन यू हैव टू डिस्प्लेस द बॉडी लिटल, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करना है, मेन पोजिशन से लिटल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना होता है तुमको फ्रॉम मेन पोजिशन। देखो इस तरीके से ये तीन स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल है, किसी भी केस में इन्हीं तीन स्टेप्स को अप्लाई करना है। तो चलो हम पहली स्टेप अप्लाई करते हैं बेटे। इस अगर यहाँ इसके अंदर जो वाटर है इसको हम थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से तो ये कुछ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, देखो कैसे ऐसे। चलो देखो ये है आपकी ओरिजिनल पोजीशन, ये है आपकी डिस्प्लेस करने के बाद पोजीशन, मतलब हमने थोड़ा सा इस लिम्ब के लिक्विड को थोड़ा सा अपवर्ड खींचा और इसको थोड़ा सा दबाया है नीचे, मतलब ओरिजिनल पोजीशन देखो आपकी यहाँ पे थी। अब क्या किया है, इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है, मतलब यहां और ये देखो यहाँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू लिम्ब्स क्रिएटेड, और ये डिफरेंस बहुत ही छोटा है ऐसा मानना है आपको, बहुत छोटा डेल्टा एच एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल हाइट एच, ठीक है। अब देखो इस फ्लूइड के ऊपर नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है। देखो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो एक्सेस फोर्स यानी एक्स्ट्रा फोर्स विच इज ट्राइंग टू रिस्टोर द पोजिशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, है ना। ये जो फोर्स होता है तुम्हारे नेट फोर्स इज द फोर्स कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि ओरिजिनल पोजिशन पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड, दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड राइट शेडेड पार्ट, एंड इट अप्लाइज अ प्रेशर ऑफ वॉट प्रेशर, दिस एक्सेस प्रेशर इज डेल्टा एच रो जी, दिस इज द प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब, दिस एरिया लेट अस से ए, इट विल गिव यू द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स नेट रिस्टोरिंग फोर्स राइट, एंड दिस डेल्टा एच इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। दिस डेल्टा एच विल एक्ट एज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन दैट इज दिस एक्स। सो अगर तुम इसको अच्छे से लिखोगे, अब ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है राइट देख बेटे तुम्हारी ये थी मीन पोजिशन, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक्चुअली इसको इसी मीन पोजिशन से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो भाई हाँ यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम ने स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जरा देखोगे क्या। बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है 2π बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या है बेटा 2π बाय स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, तो ये ऊपर जाके क्या होगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहां तक हम आए हैं कहां तक आए हैं जरा देखो, तो देखो ये एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा एच रो जी ए। अब ये तुम्हारी मेन पोजिशन है, मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दिस इज एक्स, एंड दिस एक्स भूलना नहीं है, दिस एक्स इज डेल्टा एच अपॉन टू। अब मेरे को कैसा है फोर्स को कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं डेल्टा एच की जगह पर एक्स बाय टू, जरा देखो तो सही। हाँ डेल्टा एच की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू एक्स, दिख रहा है ना ये देखो जरा, ये डेल्टा एच पूरा है रे बेटा लेकिन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये नीचे भी x है, तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं 2x रो जी ए। सो नेट फोर्स आई हैव सक्सेसफुली रिटर्न
एज 2 रो जी ए इंटू एक्स. ऑफ कोर्स ये दोनों अपोजिट है, फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट इधर ऊपर है तो फोर्स नीचे है, ये दोनों अपोजिट है इसलिए हम माइनस लिखते हैं. ये तुम्हारा x है तो ये तुम्हारा k बन जाता है एज पर दिस इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. सो दिस इज योर k. चलो k तो मिल गया हमको. अब दूसरा क्या करना होता है हमको, मास निकालना होता है. देखना ये इक्वेशन है टाइम पीरियड का, k निकल गया, अब मास चाहिए मेरे को. ये पूरी की पूरी यूट्यूब है देखो ये. अब ये है इसको निग्लिजिबल पकड़ते हैं, है ना, ये जो बेंट है ना इसको निग्लिजिबल पकड़ते हैं. मतलब यूट्यूब ऐसी है कुछ, बहुत लंबे है इसके आर्म्स, बहुत लंबे है. तो ये यहां तक वाटर था ओरिजिनली वाटर यहां तक था. अगर इसको तुम एच बोलोगे तो बेटे ये भी तो एच ही होगा, एंड दिस पार्ट इज निग्लेक्टेड, बहुत ही छोटा ऐसा समझते. सो सिंपल सी बात है, इस ये यूट्यूब एक सिलेंड्रिकल है. अगर इसको अगर पूरा सीधा करके रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना. इसको अनबेंट करोगे तो कुछ ऐसे 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 इसके अंदर पानी है, यहां से यहां तक एच और फिर यहां से यहां तक एच, यानी 2H. यहां पूरी ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है पूरी, ये 2H है. इस तरीके का ये सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है. तो मैं मास इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. बट इस वाटर का यहां से यहां तक के वाटर का वॉल्यूम कितना है बेटे, इस पूरी लेंथ को लेंगे हम, लेंथ इंटू लेंथ जो कि है 2H इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ दिस यूट्यूब एज दिस पार्ट इज निग्लेक्टेड. भूलना नहीं हाँ, ये बहुत छोटा होता है. मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा रे, डेंसिटी. तो इस तरीके से तुम्हारा मास क्या आता है, कंटेंट का मास है तुम्हारा 2H रो ए. बस इस चीज को और इस चीज को तुम इसके अंदर डाल दो. अरे चलो इसको 3 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 1 बोलो. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जरा ये है तुम्हारा मास, डिवाइडेड बाय k. k तो ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट, 2 रो जी ए. क्या क्या कैंसिल होगा रे, ए ए रो रो 2 2. सो फाइनल आंसर ऑफ टाइम पीरियड इज 2π स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन जी. बात खत्म, प्रूव्ड. चलो आगे. अब ये है, अरे इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है. एक वर्टिकल वुडन ब्लॉक है जिसको पानी के अंदर डुबोया है. अब इस ब्लॉक को अगर तुम यहां से थोड़ा सा दबाते हो नीचे और दबा के छोड़ते हो, थोड़ा सा बहुत थोड़ा, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा करता है, यानी ये SHM परफॉर्म करता है. हमको ये प्रूव भी करना है कि ये SHM परफॉर्म करता है, और उसके बाद इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकालना है. तो मैंने क्या बोला, 3 स्टेप्स है बहुत इंपॉर्टेंट. SHM किसी भी SHM का टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी है. कौन सी है वो, ए राइट. ये हमने पिछले वीडियो में भी देखे, पिछले डेरिवेशन में भी, छोटा सा डिस्प्लेस करने का है, फिर एक्सप्रेस करने का है नेट फोर्स को, और वी हैव टू देन फाइंड टाइम पीरियड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. चलो इसको एक छोटा सा डिस्प्लेस करने के बाद मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ. सो दिस इज योर न्यू डायग्राम. देखो भैया ये इसका ना ये टिप यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा ये यहाँ तक ऐसा, ये सर्कल को गोली मारो, कोई टेंशन मत लो, उसका टिप वहां तक है, राइट. और ये टिप यहां से यहां तक नीचे खिसका है. लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है ना. अब इसी के अबाउट ये ऊपर नीचे, ये जो टिप है ऐसा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा करेगा, दिस इज कॉल्ड एज SHM. और ये जो लेंथ है ये देखो, ये वाली लेंथ यहां तक L है, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने x बोला है, राइट ना. और वही यहां से जितना है उतना ही नीचे ये यहां से यहां तक आया है, बस कुछ नहीं.
दिस इज एक्स, तो फिर ये बन जाएगा तुम्हारा यल। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर से जितना नीचे आया उतना ही वो एक्सेस नीचे गया है। अब यहां पे एक्सेस फोर्स बायोंसी का लगेगा। देखो यहां पे इक्विलिब्रियम था, तो बायोंसी का इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना था, मतलब इस वेट को बैलेंस करने के लिए बायोंसी पर्याप्त है। ये वेट देखो जरा, मैं इसको मैं क्या कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, ये मतलब ए बी सी डी पोर्शन। अब ये जो ए बी सी डी पोर्शन है वो यहां चला गया नीचे, है ना, दिस इज योर ए बी सी एंड डी, दिस शेडेड पोर्शन, इसको बैलेंस करती है बायोंसी। लेकिन मतलब ये अभी देखो, ये अभी यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसका वेट इज इक्वल टू बायोंसी प्रोवाइडेड बाय दिस एबीसीडी पोर्शन, बायोंसी प्रोवाइडेड बाय एबीसीडी पोर्शन। लेकिन अब एक्सेस पोर्शन पानी के अंदर आया है ये, जो कि एक्सेस बायोंसी क्रिएट करेगा, और इस बायोंसी को वेट मतलब वेट से ज्यादा होगी। सो दिस एक्सेस बायोंसी विल ट्राई टू रिस्टोर द ब्लॉक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन। सो दिस एक्सेस बायोंसी ड्यू टू दिस ए डी एक्स वाई पोर्शन, देखा ना, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो डूबा है, इट विल एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। सो दिस नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्सेस बायोंसी ड्यू टू दिस ए डी एक्स वाई पोर्शन, इसको हम निगेटिव, ठीक है, बाद में देखेंगे। नाउ दिस बायोंसी कैन बी गिवन बाय, व्हाट इज बायोंसी को हम कैसे देते हैं बेटा, बायोंसी इज गिवन बाय वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ दिस ए डी एक्स वाई पोर्शन। हम ये वाली बायोंसी को रिस्टोरिंग में नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि ये वाली बायोंसी वेट को बैलेंस करती है, तो ये कैंसिल हो जाती है। सो दैट विल नॉट एक्ट एज रिस्टोरिंग बायोंसी, एक्सेस बायोंसी विल एक्ट एज रिस्टोरिंग बायोंसी एंड विच इज गिवन बाय वॉल्यूम इन ए डी एक्स वाई, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, दिस इज द फोर्स ऑफ बायोंसीज एक्सप्रेशन, राइट। वॉट इज वॉल्यूम, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए, then volume of that ADXY is given by this area of cross section into this length. So this area of cross section A into excess length X into, this is the volume, into density of the liquid into G. So you will have F net as A density of liquid into G into X. अब ये दोनों X, देखो displacement नीचे है mean position से, लेकिन buoyancy ऊपर होती है, ये दोनों एक दूसरे का opposite है, इसलिए हम यहाँ पे minus लगा सकते हैं। तो मेरे पास finally ये expression आया, जिसमें ये है तुम्हारा X, तो बाकी जो बचा उसी को हम K बोलते हैं रे, X को छोड़ के जो बचता है वो K ही तो होता है। So this is your K. K तो मिल गया, अब चाहिए मास। अब ब्लॉक का मास क्या है, पूरा का ब्लॉक इतना है ना, तो उस ब्लॉक की लेंथ पूरी क्या होगी रे। अब देखो ये ओरिजिनल केस अगर देखोगे तुम, तो ऐसा था वो, और यहां तक डूबा हुआ था, और ये जो लेंथ थी यहां से यहां तक, इसको यल लिया था, राइट, ये ओरिजिनल केस थी। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाया था, राइट, सिंपल सी बात है। अब आगे देखो भाई, अब आगे देखो, अब मैं यहां पे इसका मास कैसे निकालता हूं, देखो इस वुडन ब्लॉक का मास, ये तो के निकल गया, अब मास कैसे निकाल रहा हूं, देखो अब मेरे को पता है कि वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस्ड बाय ओरिजिनल बायोंसी। देखो ये डूबा हुआ मास ओरिजिनली था, देखो जरा यहां ये ए डी सी बी है ना, ये देखो ये ए बी सी डी ये जो पार्ट है वो दिखा रहा हूं मैं, एक्सेस वाला पार्ट नहीं दिखा रहा मैं, ओरिजिनल केस बता रहा हूं मैं। तो यहां पे ये तुम्हारा जो भी है ए बी सी डी, सो दिस बायोंसी ड्यू टू ए बी सी डी
वेट. अब वेट को क्या लिखेंगे हम, एम इंटू जी, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू जी इज इक्वल टू. नाउ दिस बायोंसी, बायोंसी ऑफ एबीसीडी इज नथिंग बट वॉल्यूम एबीसीडी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी. यही तो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन साइड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी. ये जी और जी कैंसिल हो गया. सो मास ऑफ द ब्लॉक कम्स आउट टू बी वॉल्यूम ए बी सी डी इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू दिस यल. हो गया काम. ये तुम्हारा मास है, ये तुम्हारा के है, तो तुम बड़े ही आसानी से टाइम पीरियड निकाल पाते हो. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के. 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम इज योर ए एल रोयल अपॉन के इज योर ए रोयल जी. तो ये कैंसल, क्या बचा रे, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एक ही चीज बची. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी. बात खत्म. राइट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ वुडन ब्लॉक इंसर्टेड इन द लिक्विड एंड देन डिस्प्ले स्लाइटली. मतलब इसमें दो चीजें प्रूव की हमने. एक तो ये एसएचएम करता है. एसएचएम करता है कब प्रूव हुआ? एसएचएम करेगी एक आधी चीज. ये प्रूव कब होता है? जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज निगेटिवली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ऐसा हम प्रूव कर दिए कि समझना है कि वो एसएचएम करेगा. जब भी हम एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख पाते हैं देन इट मीन्स दैट दैट बॉडी मस्ट परफॉर्म एसएचएम. फिर उसके बाद टाइम पीरियड निकालना है, वो तो आसान नहीं है. तो ये देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है. ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मतलब एक वाटी है यार, जिसके अंदर एक छोटी गोटी डाली है. गोटी की रेडियस भी है छोटी, ऐसी छोटी सी गोटी है ये देखो, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, इतनी सी स्मॉल आर, और इस बाउल की रेडियस है कैपिटल आर. बस हमको तीन ही तो चीजें करनी है, बार बार मैं बता भी रहा हूं. एक 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 देखो जरा. तो चलो इसी को करेंगे हम. डिस्प्लेस लिटिल फ्रॉम इन पोजिशन, वही वही वही. अब इसको मैं छोटा सा बाजू में हटाता हूं लिटिल, तो कैसे दिखता है ये बाउल. तो देखो मस्त है एकदम. इस गोटी को हमने छोटा सा हिलाया है. ये है तुम्हारा सेंटर. दिस इज योर सेंटर ऑफ द स्पेयर. अब इस गोटी को हिलने के बाद जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं. इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे है देखो जरा. देखो भाई ये है, सबसे पहले तो इसकी रेडियस है यहां से यहां तक स्मॉल आर, और ये ओहो. अब तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक निकालेंगे रे स्मॉल आर को, राइट. और कैपिटल आर पता है ना कहां पर होती है, ये देखो यहां से पूरी यहां तक होती है कैपिटल आर, है ना. इसकी रेडियस ये देख, ये वाली रेडियस, इसकी रेडियस कैपिटल आर. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा कैपिटल आर माइनस आर. ये तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही आसान है. मतलब इट्स अ नो ब्रेनर आर माइनस आर. चलो अब इस गोटी को जो ब्लू दिख रही है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये है तुम्हारी मेन पोजीशन. यहां से इस गोटी को यहां तक लाए, छोड़ दिए, तो ये ऑफ कोर्स ऐसे 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 एसएचएम करेगी. तो रिस्टोर करने वाला फोर्स कौन है जरा देखो. तो बेटे इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे देख. सबसे पहले इसके ऊपर एक्ट होती है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में. दूसरा एक्ट होता है एमजी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हाँ, अब इसके गिरते हैं दो कंपोनेंट. एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला. मान लो ये वर्टिकल है, यहां पे एंगल है थीटा, तो सिंपल सी बात है तुम्हारा ये एंगल भी हो गया थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो सिंपल है ये कंपोनेंट है तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है तुम्हारा एम जी साइन थीटा. ठीक है, इसको नीचे लिखो यार. अब देखो आगे. अब ये हो गया. अब रिस्टोर कौन करने की कोशिश कर रहा है, इसको मीन पोजीशन की तरफ इस गोटी को लाने की कोशिश कर कौन रहा है, तो वो है वो एम जी साइन थीटा. अब बस ये तो सिंपल पेंडुलम की तरह केस हो गई.
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा डैश 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 बना के ट्रायंगल वंगल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो भूलना नहीं, तो क्या रे, दिस इज योर आर माइनस आर। सो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, कुछ भी नहीं बोल सकते। इसको बोल सकते, इस पूरे को हम क्या बोल सकते, कैपिटल आर। लेकिन अब याद रखना है हमको कैपिटल आर तक कभी जाना ही नहीं है, हमको जाना कहाँ तक है जरा देखो आराम से। ये जो एस एच एम है ना, ये इसका सेंटर करेगा, तो मतलब यहाँ से ऐसे एस एच एम होगी, तो ये सेंटर, ये गोटी के सेंटर से ही लेना होगा। तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, तो ये डिस्टेंस ऑफकोर्स देखो, ये गोटी के सेंटर से यहाँ तक का स्मॉल आर है, तो ये जो है डिस्टेंस, ये है आपका कैपिटल आर माइनस आर। बात खत्म। अब इसके ऊपर एफ नेट, चलो अब यहाँ इसको छोटा कर दो। अब देखो बेटे, एफ नेट इधर चल, एफ नेट क्या है तुम्हारा, एफ नेट इज माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस अभी नहीं लिख सकते हम एक्चुअली, बाद ये थीटा के अपोजिट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर किया है और फोर्स रिस्टोरिंग इधर है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा बिकम्स थीटा, इज नियरली इक्वल टू थीटा, हमको ये पता भी है। सो इसीलिए एफ नेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस एम जी इंटू थीटा। लेकिन बेटे मेरे को अब यहां देखो, ये वाला तुम्हारा ये पोर्शन देखो, ये तुम्हारा एक सर्कल का आर्क दिख रहा है रे। मैं बहुत ज्यादा डार्क कर दिया अब इसको, हाँ ये आर्क दिख रहा है जहां पे एंगल है तुम्हारा थीटा। तो तुमको पता है कि थीटा को लिखते हो तुम आर्क लेंथ, आर्क लेंथ यानी ये इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एक्स बोलते हैं रे, एक्स अपॉन रेडियस, इसकी रेडियस है आर माइनस आर। बात खत्म, बात खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ बचा नहीं यहाँ, अभी हो गया काम। ये तुम्हारा एक्स है तो ये बिल्कुल के होना चाहिए बेटे, दिस इज योर के, हो गया। अब उस गोटी का मास वास ले लो। अरे मास लेने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर मास है, तो मास को यम ही ले लो। सो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड एक तो सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया, जैसे ही एफ नेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स आता है माइनस के एक्स, हम बोलेंगे कि इट परफॉर्म्स एस एच एम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस गोटी इनसाइड द वाटी परफॉर्म्स एस एच एम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आता है, 2π√ एम बाई के इज इक्वल टू 2π√ एम बाय के क्या है बेटे, ये देखिए पूरा का पूरा एम जी अपॉन आर माइनस आर, यम यम कैंसल हो गया। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइनली 2π√ आर माइनस आर अपॉन जी। बात खत्म, बात खत्म, हो गया। कितना मस्त प्रूफ हो रहा है देखो। अब ये गैस का सिलेंडर, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है ये एस एच एम नहीं कर रहा। इसका मतलब होता है, जूम करके देखेंगे हम जरा, कि इधर से कोई तो प्रेशर है, ऐसे थोड़ी रुकेगा ये, क्योंकि गैस तो अंदर से प्रेशर लगाएगा भैया, गैस तो अंदर से प्रेशर लगाएगा ना, जो भी है प्रेशर इनसाइड, और ये आउटसाइड से भी कोई तो इसको दबा रहा है, मतलब इस कोई तो है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट होना ही चाहिए, प्रेशर आउटसाइड है, और ये दोनों प्रेशर अभी इक्वल है बेटे, इसलिए एस एच एम नहीं कर रहा। अब मैं इसको मीन पोजिशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखता हूं क्या होगा। नीचे लिखते हैं इसको, मतलब क्या लिखने की जरूरत है, हाथ से ही बना दो। देखो ये है तुम्हारा पिस्टन वा, बस थोड़ा सिलेंडर वा, इसको थोड़ा दबा दो थोड़ा सा, मतलब ये है तुम्हारी ओरिजिनल मीन पोजीशन। अब अगर इसको तुम दबा देते हो अंदर, तो ये आएगा कुछ यहां तक तुम्हारा पिस्टन, ये है पिस्टन, ये इसका डंडा,
है ना, और ये है तुम्हारा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, एक्स बोलेंगे इसको, गैस तो दब गया अंदर, तो अंदर से अब प्रेशर ना, जो इनिशियल प्रेशर था अब उससे तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई ना बच्चा, पी इनसाइड हैज नाउ इंक्रीज ड्यू टू द कंप्रेशन एंड पी इनसाइड हैज बिकम पी आई प्लस डेल्टा पी। बाहर से तो जो भी प्रेशर था वो अभी तक वही है, और ये पी आई और ये पी ओ इक्वल है, सो एक्सेस प्रेशर दिस डेल्टा पी इज ट्राइंग टू पुश दिस पिस्टन टुवर्ड्स दिस मीन पोजिशन। सो वॉट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, यूर रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एफ नेट जिसे हम बोलते हैं इज नथिंग बट डेल्टा पी। अब बस करना यह है कि इस ऑफ कोर्स यार डेल्टा पी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बस हमको करना यह है कि इसको हमको इस एच के फॉर्म में कुछ तो करके लिखना है ना। तो कैसे लिखोगे देखो, अगर मैं इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स कर देता हूं तो मेरे को पता है इसको कैसे निकालता हूं, चलो इसको वन लिख दो यार। अब मेरे को पता है, अब ये जो प्रोसेस है ना बहुत ही स्लो और बहुत ही छोटी सी की है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, सो वी आर एज्यूमिंग दैट देर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल है इसका मतलब है क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होना चाहिए, और एन आर टी मतलब मोल का लीकेज नहीं हो रहा है, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग, हम इस एन आर टी की जगह पर हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट, वी विल राइट समथिंग कॉन्स्टेंट, राइट। ये देखो कॉन्स्टेंट, तो सिंपल सी बात है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, मैं डिफरेंशिएशन तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो, यानी बेटे वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी आएगा, और तुमको क्या चाहिए देखो भैया, इसको मैं लिखता हूँ ए इंटू डी पी, इस वॉल्यूम को लिख रहा हूँ मैं ए इंटू एल, कुछ समझ में आ रहा है क्या, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूरा का पूरा, ये जो वॉल्यूम है ना ये क्या होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये लेंथ। अरे अब इस लेंथ को एच बोलने का है, समझ रहे हैं, ये जो लेंथ हम बार बार बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम में इस लेंथ को ही क्या दिया है, एच दिया है एच, तो मैं इसको एच लिख रहा हूँ एच, सो एच ए डी पी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी। अब ये डी वी जो है ना, अब देख बेटे तेरे को ये पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एच, सो डी वी एरिया तो कॉन्स्टेंट है, सो एरिया इंटू डी एच आएगा, डी एच यानी चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट क्या है, यही तो है, ये यहां से यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट किया हमने, इसको एक्स बोला हमने, है ना एक्स, सो दिस डी एच इज नथिंग बट एक्स, सो ए इंटू एक्स, सो डी वी इज ए इंटू एक्स। तो आगे देखो अभी क्या होगा, इसको मैं लिख रहा हूं ए इंटू एक्स, तो ए इंटू डी पी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है, पी ए अपॉन एच, इस एच को नीचे लेके जा रहा हूं मैं, पी ए अपॉन एच इंटू ए एक्स। देखो ये पी ए, पी ए, ये एच इधर नीचे, तो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, ये तुम्हारा नेट फोर्स है, यही तो हमने देखा है ना, ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो, ये देखो ऊपर, ये तो है एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए, तो हो गया काम, एफ नेट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज माइनस पी ए अपॉन एच इंटू एक्स, तो ये क्या है, यही तो तुम्हारा के हो गया, तो टाइम पीरियड इज टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द पिस्टन तुमको दिया है कैपिटल एम, ये देखो ये कैपिटल एम अपॉन के रखोगे तो पी ए और ये चाहेगा ऊपर, बात खत्म, दिस इज योर टाइम पीरियड, हो गया।